अलैकुम, आदाब, सुबह बख़ैर और खुश आमदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे बच्चों को और बुज़ुर्गों को। आई होप आप लोगों का आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे, पॉजिटिव गुजरे, ए प्लस दिन का आगाज़ हो। और उसके लिए कोशिशें खुद करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो जो काम करना होता है वो ये होता है कि आपके चेहरे के ऊपर एक प्यारी सी, खूबसूरत सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेलियों और उनके घर वालों के चेहरों पर हर वक्त मुस्कुराहट हो। और इसीलिए आपके लिए एक बहुत स्पेशल सी चीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरी और मेरी सहेलियों की मुलाकात हो सकती है, जिसको हमने नाम दिया है सहेलीज़ डे आउट। यानी आप और मैं मिलके जो है वो बाहर जा सकते हैं। हमें बहुत सारी सहेलियों ने लिखा, SMS भी आ रहे हैं, आप हमें लेटर्स भी लिख रहे हैं, ईमेल्स भी मिल रही हैं, और साथ साथ फ़ोन कॉल्स पे तो हर रोज़ इतनी लिस्ट बन जाती है कि मैं सोच रही हूँ कि हमें, मुझे लगता है हर रोज़ ये करना पड़ेगा सहेलीज़ डे आउट। बट ऑफकोर्स हर रोज़ तो नहीं हो सकता, मगर हम हफ्ते में एक दफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर किया करेंगे। हम 3-4 सहेलियाँ मिल के बाहर जाया करेंगे, और उसके लिए बस आपने ये करना है कि आप हमें अपनी फरमाइशें जो हैं, अगर आप मेरे साथ आना चाहती हैं तो हमें लिख कर भेजें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सिलसिला आगे हम बढ़ाएंगे। और कॉल करके आपने रजिस्टर करवाना है, और जितनी ज़्यादा एंट्रीज होंगी उतनी ज़्यादा हम सहेलियों से मिल सकेंगे। अच्छा, आप लोग ये देख रहे होंगे शायद, अगर तो नहीं देखा आपने तो आप ये, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये एक क्यूट सा टेडी बियर मेरे पास है, ठीक है। और आप ये सोचेंगे कि ये घरेलू चीज़ें और इस तरह की जो आपके कमरों में पड़ी होती हैं, ये रूट साथ क्यों ले आई हैं। आज है बेसिकली 12th October, और 12th October एक ऐसा दिन है जिस दिन आपके जितने भी क्यूट से टेडी बियर्स वगैरह होते हैं, और जो भी आपकी ऐसा टॉय जो आपके दिल के बहुत करीब होता है, वो आप अपनी वर्किंग प्लेस पर लेकर जा सकते हैं, और आप अपने स्कूल कॉलेजेस लेकर जा सकते हैं। और मैंने कहा कि क्यों ना इस दिन का फ़ायदा उठाया जाए। तो अगर आप अपने स्कूल और कॉलेजेस के लिए नहीं निकले, और अगर ऑफिसेस के लिए नहीं निकले, तो आज अगर आप अपना फेवरेट टेडी बियर साथ लेकर जाना चाहते हैं, कोई भी फेवरेट टॉय जिसके साथ आपकी ज़िंदगी की कोई ना कोई स्टोरी जुड़ी हुई है, तो आप लेकर जा सकते हैं। और ये दिन जो है यानी 12th October ही आपको अलाउ करता है, और कोई पूछेगा भी नहीं, और अगर कोई पूछे तो उनसे कहें जाके इंटरनेट पे देखें, आज के दिन हम ला सकते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ जो है इस दिन की, यानी जो आज का 12th October डे है, उसकी ख़ास बात ये कि जब आप कोई टॉय लेकर जा रहे हैं तो उसके साथ जो जुड़ी हुई स्टोरीज़ हैं वो आपने ज़रूर शेयर करनी है लोगों के साथ। और अगर वो आप शेयर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कीजिए, हमें भी अब कॉल करें आज और बताएं अगर आपका कोई ऐसा टॉय है जो बचपन से आपके साथ है, या ज़रूरी नहीं कि बचपन से साथ हो, क्योंकि ये वाला जो मेरा टॉय है, ये जो मेरा स्टफ टॉय है और जो टेडी बियर है, ये बचपन से बिल्कुल साथ नहीं है। ये मेरी शादी के बाद जब फर्स्ट वैलेंटाइंस हुआ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वैलेंटाइंस के ऊपर, जहाँ बहुत सारे और गिफ्ट्स दिए, वहाँ पर ये टॉय भी था। और मेरी स्टोरी क्या है, नाउ दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग, मेरी स्टोरी है कि जाहिर बात है जहाँ पे मियाँ बीवी रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ होती हैं, तो ऐसा भी तो होता है कि कभी कभी लड़ाई या नाराज़गी हो जाती है। तो अगर मैं अपने मियाँ से नाराज़ हो जाऊँ तो उन्होंने मुझे ये टेडी बियर दिया हुआ है, तो मैं इसको एक साइड पे फेंक देती हूँ और उनको बहुत बुरा लगता है। और इसी तरह से अगर वो मुझसे नाराज़ हों क्योंकि ये मेरा टेडी बियर है, तो वो इसके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, और सारा गुस्सा जो है वो हम दोनों का इस बेचारे गरीब पे उतरता है, और बेचारा बहुत दुखी भी है, मगर फिर उसको बाद में उतना ही प्यार होता है जब हमारी दोस्ती हो जाती है। तो ये मेरी स्टोरी है इसके साथ जुड़ी। और इसके साथ साथ मैं एक और बात बताती चलूँ कि हमारे घर में जो एक प्यारी सी बच्ची है जो हमारे साथ होती है, वो भी बच्ची
सामने बैठी भी हंस रही है, वो भी इससे बातें करती रहती है और उसकी भी कोई अपनी कहानी चल रही होती है इसके साथ। और एट द सेम टाइम एक मेरी बहुत ही प्यारी सी सहेली जो घर आती हैं और सफाई करती है मेरी, शी इज़ लाइक अ सिस्टर टू मी, शबाना, जब वो आती है तो वो भी रोज़ाना आके इसको सलूट करती है। तो ये हमारी पूरी फैमिली के साथ बड़ा जुड़ा हुआ टेडी बियर है, वो बहुत इट्स वेरी हमारी बड़ी क्लोज निट फैमिली है जिसमें इसका बहुत अहम किरदार है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपना टेडी बियर ज़रूर लेकर जाऊंगी एंड आई एम फीलिंग एट होम बिकॉज आई हैव समथिंग जिसके साथ मैं हमेशा घर में भी बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो आप लोगों ने कॉल करके बताना है कि आपका कोई फेवरेट स्टफ टॉय क्या है और उसके साथ जुड़ी हुई कहानी क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए, SMS कीजिए। मुलाकात होती है इस ब्रेक के बाद।